इसीलिए वो जीत गए। कितना सही है शोभना जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये हार की खिसियाहट है, झुंझलाहट है जिसको ये रूप दिया जा रहा है। अभी कल तक तो अशोक गहलोत कह रहे थे कि साहब मेरी चिरंजीवी योजना जो है, जो हमने काम किया है, बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल नहीं चलेगा, और आज जब हार गए तो आपने ये बात कह दी। आपने भी तो खूब जातीय जनगणना की बात की है, राहुल गांधी ने खूब राजस्थान की जमीन से अपनी हर रैली में ये जिक्र किया है। पनौती भी उन्होंने राजस्थान की जमीन से ही बोला था। बिल्कुल, अगला दिन वो गए थे मैच के बाद और उन्होंने राजस्थान की जमीन से कहा पनौती मोदी, वो भी सुन लेते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। जनता बदला लेगी इन लोगों से, जो लोग हत्या रहे हैं उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाले भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार करने लाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उनकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती, होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ही लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। तो शोभना जी, कमलनाथ क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं एक बार। बिल्कुल, बधाई दे रहे हैं कमलनाथ। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है हम उस कर्तव्य पर डटे रहे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे।